पहले पेट में दर्द उखरल हम जाके भर्ती कर दें भर्ती तो के करित में खून जाँच करन तो कहलन कि अथी का पथल तो कहलन कि ठीक बा सब वोन्ंडिसक दवाई सुई चल तो ठीक हो गल खूब नहीं हम लड़का लड़कियार छोड़ दी ठीक हो गल बा जौन चार्ज लग जौ कर दी एक बार हर डपट के बलगा दलन फिर दुसारका बार गईनी परिवार के लेकर बार बेलगा दलन फिर एक बाद में सरपंच आफी गए जी हम लड़का छोड़वा दी कल ठीक ना छोड़ी लड़कियाँ तारबा तो छोड़ दी फ़ोन कर लेंगे लड़का ये नीति के नाम के बा पथरी वाला बोला हाँ हाय हाय हाँ एक बाद में बोला कि ठीक है उसको बैठा दो हमको तो हम गए नहीं ए तुम किधर गया था हम कहें कि चाचा है हमारा गाँव जवार के उस सरपंच वो गए थे तो बोला कि पैर भी तुम्हारा कोई सुनने वाने नहीं है तो हमारा पास भर्ती किया है हमको इलाज करना है क्या करना नहीं करना है तुमको क्या सुन डॉक्टर है तुम कौन सा अस्पताल है कहाँ पे है गणपति सेवा सरल यहाँ दरबागे बाजार डॉक्टर का क्या नाम है डॉक्टर अजीत कुमार पूरी अच्छा और एक आपको कैसे मालूम चला कि से ऑपरेशन वो, 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 जैसे बराबर हमारे के क्लिनिया में रखते थे कि इधर रुक हमारा संतोख देने के लिए तो बराबर इसे देख दे कर और फिर ऑपरेशन थिएटर में भी गया था तो हमारा बीबी बोल रहा था कि वो उसमें मोबाइल लेकर कर रहा था हमको ढकेल के बिलगा दिया बीबी एक था हमको तो बाहर कर दिया आपका नाम हमका नाम चंदन शाह हॉस्पिटल हाँ, पर गए मतिराजपुर में तो हम लोग पहुँचे जैसे ही वो लाश लेके चले गए अब के ले गया हमको ये पता नहीं है नहीं। फिर उसको, उसको बाद में ड्राइवर से फ़ोन आया कि लाश आपको कौन हॉस्पिटल के नाम बा हॉस्पिटल का भी नाम नहीं है पता हाजीव का तो हम लोग जब निकले यहाँ से पटना जाने के लिए तो जैसे अभी एक किलोमीटर अभी बैक थे हम लोग हॉस्पिटल से दूर थे तब तक ले फिर यहाँ से फ़ोन गया किसी फोन किया कि फिर वापस लाश यहाँ आ गया पोस्टमार्टम के... के के तो को दो चौकदार दिए हम लोग लेके गए उसको बाद हम लेके गए तो उसको डॉक्टर लोग के बोर्ड बैठा बोर्ड बैठ के जाँच हुआ जांच में रिपोर्ट अब तो क्या लिखे लेकिन वह अगल हुआ है यहाँ देखा गया कि पथरी निकाले है तो उसमें क्रेजी था जब पीठ फट गया तो उल्टी हो रहा था हरियरे हरियर पूरा उल्टी डॉक्टर से कहते रह उसे इस घटना पे हम यही कह रहे हैं कि इनको इंसाफ चाहिए हम लोग का इंसाफ चाहिए क्योंकि हम लोग का गांव का लड़का गया है तो हम लोग का भी दुख है तो हम इंसाफ मांग रहे हैं आप सभी हम इस वीडियो के माध्यम से हम कह रहे हैं जितने एसपी डीएसपी साहब हैं लोग हम लोग का सहारा कीजिए और मदद कीजिए इस ये ये कांड पर जल्द से जल्द इसको कार्रवाई की जाए नाम मेरा नाम रुखसाना खातून है कारण के प्रशासन से आग्रह रहेगा कि किसी गरीब का जान नहीं जाए इसलिए जितने भी लीगल रूप से अवैध तरीके से अस्पताल या नर्सिंग होम चल रहे हैं उनको तत्काल कार्रवाई करके बंद किया जाए जिससे कि और कोई गरीब ना फंसे